मॉर्निंग, सुबह खैर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और एक लंबा वीकेंड मनाने की आप लोगों ने तैयारियां भी कर ली होंगी, क्योंकि संडे की तो छुट्टी है ही है और एक दिन के बाद ईद की छुट्टियां भी शुरू हो जाएंगी। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस दिन की भी छुट्टी कर लेते हैं और एक वीकेंड को और ईद की छुट्टियों को साथ मिला लेते हैं। ईद की आमद आमद है और तैयारियां भी अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं, हम सारे ही तैयारियां कर रहे हैं और ऐसे में वीकेंड किसी नेमत से कम नहीं होता। तो जनाब आज हमारा भी इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम होता है, तो हम भी हमेशा की तरह कोशिश करते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है उसमें इस तरह के टॉपिक्स लेकर आए जिससे आपका जो वीकेंड है वो और भी ज़्यादा अच्छा गुजर जाए। लेकिन आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे और मेरे ख्याल से कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन करना चाहती हूँ मैं कि कुर्बानी के जानवर हर गली मोहल्ले की जीनत इस वक्त बन चुके हैं, तो जिम्मेदार शहरी होने का हम सबको सबूत देना है और जानवरों के साथ साथ अपने इर्द गिर्द का भी हमें खुद ही ख्याल रखना है, मुनासिब अंदाज में सफाई सुथराई करनी है और जानवर का जो बचा हुआ चारा और फजलात पर प्रॉपर तरीके से हमने डिस्पोज ऑफ करना है ताकि बीमारियों का सबब ना बने। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात करते हैं ईद कुर्बान की तैयारियों के हवाले से। तो ईद की आमद आमद है और ईद कुर्बान जब भी आती है तो अपने साथ बहुत सारे हमें पता है कि पकवान लेकर आती है। हर घर में खास किस्म के पकवानों और दावतों का एहतमाम भी किया जाता है, चटपटे खाने तैयार किए जाते हैं, मटन और बीफ की मुख्तलिफ डिशेस तैयार की जाती हैं और ना चाहते हुए भी खाने पीने के मामले में लापरवाही बरती जरूर जाती है जिसकी वजह से मैदे के मसाइल पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा एतदाल से काम लिया जाए तो ईद भी मजे की गुजर सकती है और खूब इंजॉय भी किया जा सकता है। ईद के मौके पर खाने पीने के हवाले से किन किन एहतियाती तदाबीर पर हमें अमल करना चाहिए, कौन कौन सी डिशेस बनाई जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सना कमर है, माहिर खजा है। सना मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, जागो लाहौर में कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सना ईद कुर्बान आ रही है, कुर्बानी है और गोश्त हर जगह हमें नजर आएगा, तो गोश्त के हवाले से बताइए हमें कि ईद पर किस टाइम हमें खाना चाहिए, कितने मकदार में खाना चाहिए, मतलब कुर्बानी होगी है सुबह के वक्त तो उसके कितनी देर बाद हमें गोश्त का इनटेक करना चाहिए? सबसे पहले तो कुर्बानी की ईद जो है उसमें जो गोश्त इस्तेमाल किया जाता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है और उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो बहुत अच्छी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हम दूसरे गोश्त से कंपेयर करते हैं। इसमें अब जब न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात होगी तो जो 100 ग्राम हमें मीट लेते हैं हम उसके अंदर से, या 100 ग्राम को हम कंपेयर कर लेते हैं हम अपना 1 palm साइज से, ठीक है, ये हमारी एक 3 ounce का होगा, तो अगर ये हम लेते हैं तो इसमें से हमें 146 किलो कैलोरीज मिलती हैं। 146 कैलोरी का मतलब है कि अगर आप ले रहे हैं आपकी 2000 कैलोरी रिक्वायरमेंट है तो उसमें से 146 अगर आपने 3 ounce एक टाइम पे लिया है तो उससे पूरी हो जाएंगी। तो आपने बस ईद के दिन पे ये देख के खाना है कि अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट को आपने ज़्यादा नहीं करना। न्यूट्रिएंट्स इसमें से बहुत अच्छे मिलते हैं जिनमें आयरन होता है, विटामिन B12 होता है। जो आयरन है वो आपको पता है कि ब्लड डेफिशिएंसी को पूरा करने का काम करता है, B12 हमारे वैसे ओवरऑल उसको स्टमक हेल्थ को इम्प्रूव करता है, तो इस तरह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी अच्छे हैं इसके लिए मीट की कंजम्पशन करने से। लेकिन आपने क्या करना है इसके, अब आपको पता है कि ये हमारे लिए एक मजहबी त्यौहार है, तो जो लोग नहीं खा सकते ये बेसिकली है कि जिन लोगों की न्यूट्रिटिव वैल्यू जो पूरा साल जो कंजम्पशन नहीं करते उनकी उनको देखें कि वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आप जो डेली बेसिस पे इसका यूज करते हैं वो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, या ये कह सकते हैं कि जो मुस्तहिक अफराद हैं उन तक ये पहुंचाया जाए, ना ही घर पर इसको सारा स्टोर कर दिया जाए। दूसरा मुझे सना बताएगा, ये फ्रेश मीट होता है, मतलब सुबह कुर्बानी हो रही होती है और उसके बाद हम उसको पका के खा रहे होते हैं, तो पका के खाने से पहले हम इसको कितनी देर धोएं कि इसके अंदर जो जितने भी वायरसेस हैं या बैक्टीरिया है, जरासीम है, वो खत्म हो जाए? आप, मैं तो कहूंगी जो आपका पहला मील होता है वो आप अपना जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट है उसी को रखें और दोपहर का खाना जो है वो अपना मीट की कोई भी डिश बना के उसको ले सकते हैं, ठीक है, और उसको भी बहुत ज्यादा ऑयल में और इस तरह से ना बनाएं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा फैट कॉन्टेंट होता है इस मीट के अंदर, जो मीट हमारा उसका मटन हो जाए या बीफ हो जाए उसके अंदर फैट कॉन्टेंट ज्यादा होता है, तो जब हम उसे भी
बनाते हैं किसी ऑयल के अंदर, तो वो फिर उसकी जो कैलोरीज हैं वो और बढ़ जाती हैं, और फिर वो जब हम गोश्त की बात करते हैं तो उसमें ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ये नॉर्मल पर्सन के लिए हैं, जिसका BMI नॉर्मल है, जिसको कोई डिजीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है, डायबिटीज का मसला नहीं है. जिन लोगों को ये मसले हैं साथ में, फिर उनके लिए एहतियाती तदाबीर इससे भी ज्यादा अहम है, उनको फिर देख समझ के इस चीज को इस्तेमाल करें. भी सना हम बात करेंगे, लेकिन जैसे आपने कहा कि ईद पर जो नाश्ता है वो हम लोग नॉर्मल रूटीन वाला करें, मतलब अंडा ब्रेड खा लें या बाकी जो चीजें जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं वो करें, लेकिन हम यहाँ देखते हैं जैसे कुर्बानी होती है तो सबसे पहले जो सुबह नाश्ता होता है वो होता है कलेजी का. बिल्कुल, सुबह उठकर ही हमने नाश्ता भी उसका करना है, देन आगे हम दोपहर के खाने पे भी आएंगे और डिनर पे भी आएंगे, तो नाश्ता कलेजी से कर रहे हैं उसके बाद पूरा दिन भी गोश्त खा रहे हैं, तो क्या बेहतर नहीं है कि हम कुछ घंटे बाद कलेजी खा लें? कुछ घंटे के बाद खा लें, और उसका कलेजी जो ऑर्गन मीट होता है उसके अंदर से हमें बहुत ज्यादा आयरन कंटेंट मिल रहा होता है, अच्छा होता है, आप ले लें, लेकिन वही बात है कि उसको आपने कुकिंग मेथड को देखना है कि आपने उसको बनाया किस तरह से. अच्छा, है मतलब नाश्ते में खा सकते हैं हम लोग? खा सकते हैं आप किसी भी टाइम पे ले लें, बस मैंने आपको बताया कि उसका जो पोर्शन होगा अगर आपने ऑर्गन मीट या कलेजी ले ली है उसके बाद फिर आपने क्या करना है, वो तेजाबियत का बायस बनती है अगर उसको हजम करने के लिए हम उसके बाद उसके साथ फिर कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, तो उससे मेदे में तेजाबियत बढ़ती है. तो अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा है और अगर आपने कलेजी ले लिया, फिर आप एक मील मीट का स्किप कर दें, फिर दूसरे मील में आप उसको इस तरह की फॉर्म में लें जिसमें ज्यादा उसको फ्राई ना किया गया हो, या फिर उसको ज्यादा उसकी जो कुकिंग मेथड है वो अच्छा हो, उस तरह से आप ले सकते हैं. लेकिन हम तो फ्राई भी बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब भून भून के हम लोग गोश्त को भून देते हैं, और जब तक अच्छी तरह वो नहीं भुनता हमें तसल्ली नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं होती. दूसरा, क्या हमें खाली गोश्त जो है वो खाना चाहिए, या उसके अंदर कोई और भी चीजें, सब्जी वगैरह ऐड ऑन कर लेनी चाहिए, दही का इस्तेमाल करना चाहिए? अब गोश्त जो है उससे हमें सिर्फ प्रोटीन और फैट मिल रहा है, ठीक है, हमारी जो बाकी की फाइबर की डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही. तो अगर तो सैलेड उसके साथ से इस्तेमाल कर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा. सैलेड के साथ अगर सब्जियों का इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन होती है. आप सब्जी हमारी पाकिस्तानी डिशेज में हम मीट के साथ किसी भी सब्जी को इस्तेमाल करके बना सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन समझी जाती है. लेकिन अपने दोपहर के खाने और रात के खाने के साथ सैलेड का इस्तेमाल जरूर करें. और दही का इस्तेमाल कितना बेहतर है, मतलब कुर्बानी के गोश्त के साथ अगर हम दही का इस्तेमाल? दही का इस्तेमाल आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इसलिए दही का इस्तेमाल भी किया जा सकता है अपनी डेली डेयरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. कोशिश ये करें कि उस दही के अंदर आप पुदीना ऐड कर लें, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें ले रहे होते हैं इस पे, आपने जैसे कहा कि बद एहतियाती हो ही जाती है ईद के दिन पे, तो वो फिर उसको कवर अप करने के लिए हेल्पफुल होता है हमारे लिए अगर हम उसमें मिंट ऐड कर लेंगे. जी, तो बहुत सना हम देखते हैं कि बड़ी ईद के बाद लोग जो है इतना ज्यादा खा लेते हैं कि बाद में उनको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं. बिल्कुल, कितनी मिकदार में खाना चाहिए ताकि उनकी सेहत जो है वो तो खराब ना हो? मैंने आपको बताया कि 3 आउंस जो है, 5 से 8 आउंस जो है वो हमारे डेली दिन में खा लेना चाहिए. अच्छा. 5 से 8 आउंस, और 3 आउंस आपका जो पाम साइज है उतना होता है, तो आप 2 पाम साइज अगर इतना आपको लग रहा है कि आपने ले लिया, तो इससे ज्यादा आप नहीं खाइएगा. अच्छा. इससे आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है मीट की वो पूरी हो जाती है. और नॉर्मल जो लोग हैं जैसे ग्रोइंग एज के बच्चे हैं वो 8 आउंस तक जा सकते हैं. जो अडल्ट्स हैं जिनको थोड़ा ओबेसिटी का भी इशू है या साथ में कोई और इशू है, तो वो फिर इसको 3 आउंस से ज्यादा इस्तेमाल ना करें डेली बेसिस पे. और इसको ज्यादा इस्तेमाल से हमें क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? इसकी डाइजेशन थोड़ी लेट होती है, तो अब इसके साथ फिजिकल एक्टिविटी तो होती नहीं है. आपने अगर गोश्त खा लिया है एक टाइम पे और उसको हजम करने के लिए आपने अगर लिया 100 ग्राम, तो उसको हजम करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 8 आवर्स चाहिए होंगे. तो वो 8 आवर में अगर आपकी डाइजेशन नहीं हुई और आपने फिर से खा लिया, तो वो क्या होता जाएगा, जमा होता जाएगा, और फिर आपको ब्लॉटिंग फील होगी, तेजाबियत फील होगी, या फिर आप जो है स्टमक इश्यूज जो ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं वो होंगे. और वो उन लोगों को ज्यादा होते हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी इशू के साथ हो, जैसे ओबेसिटी हो गया, स्टमक इशू हो गया, इस तरह के जिनको मसाइल होते हैं उनके साथ फिर ये वाले इश्यूज ज्यादा होते हैं. और ऐसा ना, जो लोग ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज हैं या जिनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर है? या उनके लिए एहतियाती तदाबीर तो ये है कि आप कोलेस्ट्रॉल के अगर पेशेंट हैं तो वो इसको अवॉइड करें. कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को देखना है कि किस हद तक बढ़े हुए. अच्छा. अगर तो एक्सट्रीम लेवल के बढ़े हुए हैं तो फिर इस चीज़ को अवॉइड करें, और अगर नॉर्मल रेंज है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है
तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करके एक नॉर्मल पोर्शन में उस चीज को ले सकते हैं, वो खा सकते हैं बिल्कुल। और बाकी जो बहुत से लोग हैं जैसे ओबेसिटी का जो शिकार होते हैं लोग, उनके लिए क्या है, वो कितने पोर्शन में खा सकते हैं? जिन लोगों को, जो लोग ओबीस होते हैं उसमें भी मैं ये कहूंगी कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप, ईद का त्यौहार है, मैं कभी भी ये बात बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप ना खाएं, आप ले लें और उसको आप क्वांटिटी कम कर दें, और उसके कुकिंग मेथड को बहुत इवैल्यूएट करें कि आपने उसको बनाया किस तरह से। अच्छा, बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट उसके अंदर खुद से भी है और आप फिर उसको बना भी उसी तरह के फैट में रहें तो वो फिर ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो उसको स्टीम करके आप खा सकते हैं, जैसे नमकीन गोश्त लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं तो वो एक उनके लिए अच्छी ऑप्शन है, उस तरह से वो खा सकते हैं। इसके साथ आजकल स्टेक्स बहुत घर में भी बना लेते हैं लोग, तो अगर उस फॉर्म में खाएंगे उसके साथ अगर स्टीम्स वेजिटेबल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छी ऑप्शन हो जाती है। अच्छा, और दूसरा सना हम देखते हैं कि जैसे मैं बात कर रही थी कि अगर नाश्ता हमने इसका कर लिया है तो जो दोपहर का खाना है वो कितनी देर बाद होना चाहिए, कितनी मिकदार में होना चाहिए, और उसमें भी क्या हम गोश्त ही खाएं, या एक अगर हमने हैवी मील कर लिया है तो दूसरा मील थोड़ा सा हल्का फुल्का हो जाए ताकि हमारा जो स्टमक है उसके ऊपर ज्यादा बोझ भी ना पड़े। मैंने आपको पहले भी बताया कि हैवी, अब तीन मील अगर हैवी होंगे तो स्टमक की प्रॉब्लम उनको होगी ऑब्वियसली, इसलिए उनको खुद डिसाइड करना है कि वो ब्रेकफास्ट हैवी ले रहे हैं या फिर लंच हैवी कर रहे हैं, और डिनर अगर हैवी करेंगे उसके बाद तो उन्होंने डिनर के बाद, वैसे भी डिनर हैवी नहीं करना चाहिए और डिनर के बाद सोना होता है तो वो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। और इसके साथ कोल्ड ड्रिंक सोडाज इनका इस्तेमाल अवॉइड करें, लेमनेड ले सकते हैं जैसे गर्मी भी है उसके साथ, उसके अंदर अगर मिंट ऐड करके आप साथ इस्तेमाल कर लें, और दोपहर के खाने में आप सारी चीज़ों को एक पोर्शन में लें, मीट भी लें उसके साथ, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करें, डेयरी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करें और फिर आप ले सकते हैं। अकेला उसका टाइम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? आपका दोपहर के खाने की टाइम ड्यूरेशन ब्रेकफास्ट के आप 5 आवर्स के बाद ले सकते हैं, अगर आपने ब्रेकफास्ट 7 बजे किया तो आप 2 बजे तक ले सकते हैं अपना दोपहर का खाना, और अगर ब्रेकफास्ट आपने लेट किया है तो फिर आप दोपहर का खाना अपना थोड़ा पोर्शन में रख के खाइएगा अगर आपकी टाइमिंग वही है तो। दूसरा, कलेजी की तो हमने बात कर ली है कि सुबह सुबह लोग जो है वो इसको खाते हैं बड़े मजे के, और हर घर में पकड़ी होती है, ये नहीं कि सिर्फ एक घर की कहानी है, ये हर घर की कहानी है। दूसरा, सिरीपाए ये भी घर में बनाए जाते हैं, इनको भुना जाता है फिर रात को चढ़ा दिया जाता है पतीलों में डाल करके, सुबह हम इसका नाश्ता करेंगे। ये एक तो रिवायात है हमारी जो हमने खाने खाने, ऊपर से खाबों के शौकीन है लाहौरी, तो क्या ये इनकी अफादियत के बारे में बताइए, और इनका ज्यादा खाना हमारे लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? सब न्यूट्रिएंट इनके अंदर से हमें बहुत अच्छी अमाउंट में मिलते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को लेना है तो उसको पोर्शन में खाना है। आपने अगर पोर्शन इंक्रीज कर देंगे तो सबसे ज़्यादा जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल इस तरह डिस्टर्ब होंगे कि आपने खा लिया और साथ में फिर आपने उसके साथ कोई एक्टिविटी नहीं की। अच्छा, अगर आप पोर्शन में रह के खाएंगे और फिर आपको भी मसला नहीं होगा और वो जो है इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, मतलब ये खा सकते हैं इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपने एतदाल में रहकर खाना है। गोश्त आप क्या सना सजेस्ट करती हैं कि किस फॉर्म में खाना चाहिए, बारबेक्यू खा लें या सालन की फॉर्म में खाना चाहिए? सालन की फॉर्म में भी खाया जा सकता है और बारबेक्यू की फॉर्म में भी खाया जा सकता है। बारबेक्यू में ये होगा कि उसमें फैट कॉन्टेंट थोड़ा कम होगा, ऑल्दो कि हम उसके ऊपर भी जो है वो ऑयल स्प्रिंकल कर रहे होते हैं, तो जो हमारा पाकिस्तानी मेथड है खाना बनाने का उसकी उस फॉर्म में भी खाया जा सकता है। बस उसके साथ अगर आप उसको और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो उसमें कोई वेजिटेबल ऐड कर लें ताकि हमें फाइबर भी एक अच्छी अमाउंट में मिल जाए, डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगी उससे। और दूसरा सना, आप क्या कहेंगी कि जो हम कुर्बानी का गोश्त है वो कितने अरसे तक हमें इस्तेमाल करना चाहिए? वैसे तो कुर्बानी का गोश्त जो आपके घर का हिस्सा होता है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जो आपके घर का हिस्सा होता है उसको आप 3 से 6 महीने तक अगर रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करते हैं, उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर आपने नोट कर लेना कि अगर, तो प्रॉपर फ्रीजिंग टेम्परेचर है। जैसे हमारे यहाँ लाइट का बहुत इशू होता है, तो लाइट के इशू की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि फ्रीजर में जो एक टेम्परेचर है वो मेंटेन है। अगर आपको लग रहा है कि आपके फ्रीजर का टेम्परेचर मेंटेन है तो फिर आपको 3 to 6 months उस मीट को यूज कर सकते हैं। अगर वो कभी वो फ्रोजन टेम्परेचर पे जा रहा है और कभी वो बिल्कुल उसको जैसे लाइट गई है तो वो उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा, तो फिर हम उसको जल्दी यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी, सना कमर हमारे साथ मौजूद थी, हम बात कर रहे थे क्योंकि बड़ी ईद आने वाली है और गोश्त की
ईद है ये और इस पे हर कोई जो है वो गोश्त खाता है, नाश्ते में भी, खाने में भी और डिनर में भी, तो इसकी क्या अफादियत है और क्या नुकसानात हो सकते हैं हमारी सेहत पर, इसके हवाले से हम बात कर रहे थे। सना, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और आपसे भी यही कहूँगी जनाब, ईद तो आ रही है, तो अगर ईद अच्छे तरीके से आपने गुजारनी है और आप ये चाहते हैं कि ईद के बाद भी आपकी सेहत अच्छी रहे, तो आपने एतदाल में रहकर खाना। जनाब, मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यह वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर, जनाब बात हो रही थी ईद के खाबों के हवाले से, तो खाने का दस्तरखान हमेशा मीठे के बगैर अधूरा रहता है, और अगर मीठे में रंग बरंगे डोनट्स हो जाएं तो क्या ही बात है। वैसे डोनट्स मीठे और नमकीन दोनों तरह के हो सकते हैं। डोनट्स बनाना और खाना पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। ये घर पर भी बनाए जा सकते हैं और बाहर से भी हम लोग खरीद सकते हैं, और पाकिस्तान में ये डोनट्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। हमारे यहाँ बेकरीज पर तरह तरह के मज़ेदार डोनट्स की वैरायटी हमें मिलती है, वहाँ पर लोग अपनी पसंद के मुताबिक भी खरीदते हैं। लेकिन आजकल घर में डोनट्स बनाने का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो मज़े मज़े के डोनट्स बनाती हैं। उनसे जानते हैं कि घर पे वो कैसे ये डोनट्स बनाती हैं, कब से बना रही हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। हमारे साथ रईसा हामिद मौजूद हैं। रईसा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। रईसा, ये कब से आपने ये स्टार्ट किया डोनट्स बनाना? मुझे ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं। अच्छा, तो पहले मैं इसको सीखती रही हूँ, पहला साल तो सिर्फ सीखने में, ठीक है, इसको मतलब अच्छे लेवल पे लाने के लिए मुझे 1 साल लग गया इनको सिर्फ सीखते हुए। तो क्या शौक था खुद से रईसा कि मैंने इस चीज में जाना है? जी, मुझे शुरू से बेकिंग का शौक था। अच्छा, तो पहले मैं केक्स बनाती थी। ओके। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को इसकी तरफ स्विच कर दिया क्योंकि ये ज्यादा डिमांडिंग चीज थी। अच्छा। जी, तो अब मैं इसमें तो मैं अब ज्यादा अच्छी हो गई। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि अब रईसा जो है डोनट्स में प्रो हो गई है। जी, मतलब उसको बनाने आ गए। तो मतलब आपने, जैसे आपने बताया कि आप केक्स बना रही थी, बेकिंग में सब कुछ आ जाता है, केक्स आ जाता है, पेस्ट्रीज आ जाती है, ब्राउनीज आ जाती है, तो फिर आप वो छोड़ के इस साइड पर क्यों आई ज्यादा? क्या लगा? ये खाना बहुत ज्यादा पसंद था आपको? हाँ, मुझे खुद भी स्वीट्स बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, और सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो इसके बारे में है, ये बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद होते हैं। हाँ। तो पेरेंट्स बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं स्वीट्स के लिए। बिल्कुल। तो केक्स को छोड़ के इसको इसलिए प्रेफर किया कि ये बच्चों की पसंदीदा डिश है, पसंद। और लाजमी बच्चों ने तो ये खाना ही खाना है और बड़ों ने उनको लेकर देना। जी, तो ये डिमांडिंग इसलिए इसकी जो रहती है। तो आप खुद भी खाती है रईसा? जी, मैं जब भी बनते हैं तो मेरी बाइट सबसे पहले होती है। अच्छा, सबसे पहले आप खुद ही टेस्ट करती हैं। तो जब आपने रईसा ये स्टार्ट किया तो किससे सीखा आपने पहले? मैंने यूट्यूब वीडियो से ही सीखा है। जी, तो उसके बाद फिर कोई क्लासेस ली या सिर्फ 1 साल जो यूट्यूब की वीडियो से ही सीखा? वीडियो से ही सीखती गई, और टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ डेवलप हुई हैं। अच्छा। वो फौरन से नहीं उनके ऊपर वो कमांड आई थी। ठीक है, ये इसी तरह होता है, टाइम के साथ साथ आपको कोई चीज पर कमांड आती है, आप सीखते रहते हो। तो रईसा, जब घर वालों को बताया तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला? जब मैंने ये चाहा कि मैं इसको अपना बिजनेस के तौर पे स्टार्टअप करना चाहती हूँ, तो पहले तो अच्छा नहीं था किसी का भी व्यू। हाँ। सबने कहा कि नहीं, तुम कैसे मैनेज करोगी? अच्छा। क्योंकि मैं, 2 बेटे हैं मेरे। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनके साथ फिर इन चीजों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। Exactly. है। लेकिन क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा इसके बारे में जुनून था कि मुझे कुछ करना है, ठीक है, तो फिर मैंने जिद में अपने हस्बैंड को मना ही लिया और वो उन्होंने मुझे परमिशन दी, स्टार्ट कर दिया। और अकेली करती हैं रईसा आप? जी, अभी तक मैं अकेली कर रही हूँ। अच्छा, मतलब ये सारा कुछ, और ये जो सारे आपने डोनट्स, और आप देख भी सकते हैं कि इतने मजे मजे के डोनट्स हमारे सामने पड़े हुए हैं, मेरे से थोड़ा सा दूर है, नहीं तो मैं खाकर आपको बताती कि कितने मजे के लग रहे हैं। तो रईसा, इसमें कितनी वैरायटीज है? मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा चॉकलेट भी है और डिफरेंट हम देख रहे हैं इसमें। ऑलमोस्ट अब तक जो है मैंने 22 फ्लेवर्स बना लिए हैं। अच्छा जी, इस इन वैरायटी की वजह से ही पसंद किया जाता है।
जाता है, अदरवाइज बाहर अगर आप विजिट करें कहीं पर इतने फ्लेवर्स अवेलेबल नहीं होते. तो मेरी इस शॉप को इसीलिए ज्यादा पसंद किया जा रहा है, फ्लेवर्स 22 हो चुके हैं. 22 फ्लेवर्स खाली आपने डोनट्स के बना लिए. तो ये खुद ही आइडिया आया कि मुझे इसके फ्लेवर्स चेंज करने हैं. जी, एक्सपेरिमेंट करती गई और उनको ऐड करती गई कि अब ये वाला फ्लेवर होना चाहिए. सबसे पहले मैं खुद खाती थी. अच्छा. और देखती थी कैसा उसका टेस्ट है. हाँ. फिर अपने फैमिली मेंबर्स को और जिसका जो रिव्यू आता था वो रखती थी. अच्छा. कि आगे मुझे और इसको इन्हेंस करना चाहिए या इसको क्विट कर देना चाहिए. ठीक है. तो जिसके ज्यादा अच्छे रिव्यूज होते थे उसको मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर उसमें लिस्ट में ऐड कर लेती थी. तो अभी आपकी जो 22 लिस्ट है वैरायटी की, इसमें कौन कौन से फ्लेवर्स आ जाते हैं? अभी मुझे सारे टॉप में जो है लोटस बिस्कॉफ सबसे ज्यादा पसंद. अच्छा. किया जाता है. बच्चों की बात करें तो वो बंटीज और जाली बीज जो है वो पसंद करते हैं. अच्छा. और बड़े जो हैं वो उसमें नट्स आ जाते हैं और वॉलनट डोनट है वो पसंद किया जाता है. इसके अलावा नटेला फ्लेवर को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है. और जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है जो बड़े जो बूढ़े हैं जो पसंद करते हैं वो कोकोनट फ्लेवर को पसंद करते हैं. ठीक है. और इसमें कौन कौन से आपने बनाए हुए हैं? इसमें कैडबरी है, ओरियो डिलाइट है, जैली बीज हैं और कोकोनट भी मुझे वो साइड पे कोकोनट फ्लेवर भी है जी. स्प्रिंकल्ड है जो बच्चों का मोस्ट फेवरेट होता है कलर्स की वजह से. और यहाँ पे है नट्स वाला वॉलनट और बंटीज एंड शुगर कोटेड. ठीक है. ये डिफरेंट और ये सारा कुछ आपने ही बनाया है. कितनी देर लगती है एक डोनट को बनाते हुए? अगर जो सबसे कम ऑर्डर होता है वो 12 का होता है. ठीक है. तो 12 डोनट्स को मुझे ऑलमोस्ट 1 hour and a half लग जाता है उसको प्रिपेयर करते हुए. जी. तो क्या खुद ही सारा कुछ, इसकी डेकोरेशन, इसका सारा कुछ खुद? जी, खुद ही. किचन एवरीथिंग? जी. किसी और की मदद नहीं लेनी? नहीं, किसी की भी नहीं. नो सेकंड हैंड विद मी. नो सेकंड हैंड. तो अभी इसको और भी आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रही हैं? जी, कोशिश तो यही है. अभी तो ये बिल्कुल नॉर्मली चल रहा है विदाउट स्पॉन्सर. तो अभी थोड़ा सा और इसको थोड़ा इन्हेंस करूंगी तो फिर मैं इसके साथ स्पॉन्सर ऐड करूंगी. ठीक है. अपने पेज पे. अच्छा. तो इंशाल्लाह. तो रईसा, इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती हैं? जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, उसमें सबसे पहले मैदा आ जाता है, ऑल पर्पस फ्लोर और बटर और यीस्ट एंड साल्ट. ठीक है. और इसी तरह ये सब चीजें ऐड होकर तो ये. और इसको फिर आप फ्राई कर लेते हो? जी, पहले इसकी डो बनती है, उसको प्रूफिंग टाइम दिया जाता है. अच्छा. और उसके बाद उसको दोबारा से रोल आउट करके और कटिंग की जाती है, उनको भी प्रूफिंग का टाइम दिया जाता है. अच्छा. और फिर उसके बाद इसको फ्राई किया जाता है एंड देन लास्ट टॉपिंग की जाती है. टॉपिंग के लिए आपको क्या मतलब आइडियाज कहाँ से आते हैं कि मैंने चाहिए अब इस तरह करनी है? क्योंकि डिफरेंट टॉपिक्स हम देख रहे हैं कि इस पे आपने की हुई है. ये मेरी सब अपनी ही क्रिएशंस हैं. अच्छा. तो कहीं आपने आर्ट एंड क्राफ्ट तो नहीं पढ़ा हुआ? नहीं, मैंने पढ़ा तो नहीं हुआ. अच्छा. लेकिन छोटे होते से ही मुझे आर्ट का बहुत ज्यादा शौक रहा है. और वो अब नजर आ रहा है. पेंटिंग्स करती होती थी तो ऐसे किसी चीज का सोचा नहीं था, लेकिन वक्त के साथ इस चीज में आ गई. वक्त के साथ आ गई. तो जैसे हमने देखा कि पेंडेमिक रहा पिछले साल भी, कोरोना की वजह से कोई आपको डिमांड एंड सप्लाई में कोई फर्क पड़ा? नहीं, इसके बारे में कोई इतना इश्यू नहीं हुआ, इसलिए कि ये घर का होम बेस बिजनेस था तो सिर्फ कॉल करते थे और डिलीवरी हो जाती थी. अच्छा. घर से. ठीक है. तो क्या अभी आपका सिर्फ इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पर ही पेज है या कोई फिजिकल शॉप नहीं है? नो, फिजिकल शॉप नहीं है. अच्छा. कितने आ जाते हैं ऑर्डर्स अगर एक दिन में? एक दिन में 2-3-4 समटाइम्स, इसी तरह. अभी ये स्टार्टअप है. हाँ जी. तो आ जाते हैं, इतने आ जाते हैं और वो इजीली बना लेती हैं. हाँ. तो बहुत से आप देख रहे हैं कि थीम भी आजकल चल रही है, थीम पार्टीज चल रही हैं. उसके हवाले से भी डिफरेंट, इसके ऊपर भी हम देखते हैं कि थीम के हिसाब से ही बन रहे होते हैं डोनट्स भी. उसके भी आते हैं आपको कस्टमाइज्ड? जी, वो कस्टमाइज्ड डोनट भी आ जाते हैं. लास्ट टाइम मैंने फादर्स डे के बनाए थे जो बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे. अच्छा. तो इसके बाद जो है वो ईद की है, तो ईद के ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं.
जो ईद पे क्या आपने सोचा है कि क्या इसकी जो प्रिपरेशन है, ये डेकोरेशन है, वो किस तरह की करेंगे? डोनट्स के ऊपर ही थोड़ी सी चेंजिंग कर दी जाती है, इनके ऊपर मेंशन किया जाता है जो डे होता है उस चीज को गोल्डन डस्ट के साथ उसको मेंशन करके और ज्यादा इनहेंस कर दिया जाता है और कार्ड्स वगैरह ऐड किए जाते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं डोनट्स में, मुझे बताइए कितनी कैलोरीज होती है, क्या ये जो डाइट कंसर्न लोग हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा डाइट में होते हैं कि हम लोग मीठा नहीं खा सकते, वो खा सकते हैं ना, उनका कोई मसला नहीं है? नहीं, मैं तो खाती हूँ और मैं मोटी भी नहीं हुई। ये कह सकते हैं, लेकिन मतलब ईद आ रही है, ईद ऐसा त्यौहार है जिसमें हम खा सकते हैं, थोड़ी सी डाइट कॉन्शियस लोग भी जो कहते हैं चीट डे मना सकते हैं। तो रईसा जो है इनकी कॉस्ट क्या है, हमारी मतलब जेब पे भारी तो नहीं पड़ेगी? ये अकॉर्डिंग टू फ्लेवर्स होते हैं, कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव बन जाते हैं और कुछ आपकी रेंज में आ जाते हैं, और सम टाइम्स लोग दोनों को मिक्सअप करके तो और बॉक्स रेडी करवा लेते हैं। बॉक्स एक्चुअली आपके डिमांडिंग ही बना जाता है। अच्छा, जो फ्लेवर्स आप चाहते हैं वो ही ऐड किए जाते हैं। तो मतलब इसकी कितनी क्वांटिटी होती है, एक बॉक्स में कितने डोनट्स होते हैं? 12 डोनट्स और 6 डोनट्स का बॉक्स होता है। अच्छा, 9-10 अकॉर्डिंग टू कस्टमर, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट होता है कि उसको कितने जो है वो चाहिए बॉक्स में। ठीक है, तो रईसा अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए, मतलब हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी होती हैं और बहुत से लोग जो हमें कहते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, या फिर हम दिल हार कर बैठ जाते हैं तनकीद की वजह से, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? जी हुआ था। एक मेरी फेवरेट क्लाइंट थी जिनको मैंने अपने डोनट्स भेजे। अच्छा। और उनके थोड़ा सा हो गया था इशू, तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो गई और मैंने उसी दिन अपने हस्बैंड को बोला कि मैं ये नहीं करूंगी, ठीक है, कंटिन्यू नहीं करूंगी। अच्छा। मैं इसको बस मैं क्विट करने लगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने समझाया, हो जाता है समटाइम्स ऐसा, तो आप इसको कंटिन्यू करो और इंशाल्लाह अच्छे रिव्यूज आएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिव्यूज ही आ रहे हैं। अच्छा, अब अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, लोग मंगवा रहे हैं। तो जब घर वालों को खिलाया तो घर वालों ने कभी टांग खींची कि नहीं अच्छा नहीं है? नहीं, मेरे सुसर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब से इनको बनाना सीखा है मैंने उनको हर टाइम खिलाया है कि मुझे बताएं आपको इसमें क्या चीज नहीं ठीक लगती। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे हर चीज में गाइड किया है कि बेटा इस चीज को ज्यादा करो, इसको कम करो, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। तो वो घर वाले थक तो नहीं जाते कि हर टाइम रईसा हमें मीठा ही खिला रही होती हैं और खिला खिला के मोटा कर रही हैं? नहीं, जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो इस ट्रीट्स के बारे में बहुत ज्यादा हैं कि मुझे मिलती रहे। अच्छा जी, तो वो खाते रहते हैं, वो खुश होते हैं कि अच्छा चलो कुछ ना कुछ तो मीठा हमें मिल रहा है। जी। तो रईसा हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो हर चीज है वो ऑनलाइन चली गई है। जी। आप ऑलरेडी ऑनलाइन थी, तो कभी ऐसा तो नहीं कोई वाकया जो बहुत दिस हार्ड आपको हुआ हो ऑनलाइन पे, किसी ने मंगवाया हो लेकिन पे ना किया हो? नहीं, अभी तक ऐसा कोई इशू हुआ नहीं है, बल्कि मैं वेट भी कर लेती हूँ पेमेंट्स का, समटाइम पेमेंट्स जो है वो डिले हो जाती हैं। एक ऑर्डर था यूके से, तो उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी उसमें, तो मैंने 1 वीक तक वेट किया और उन्होंने फिर मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया कि इतना वेट कोई नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, डिलीवरी करने के बाद असल में वो बुकिंग यूके से थी लेकिन डिलीवरी उनकी मदर को थी यहाँ पे, सरप्राइज डिलीवरी लाहौर में। ठीक है, तो घर वालों को भी कभी सरप्राइज देती हैं, मतलब अभी फादर्स डे गुजरा है उस पे अपने घर पर बना के लेकर गई हूँ? जी, अक्सर ही मैं बॉक्सेस अपने रिलेटिव्स में भेजती रहती हूँ। अच्छा। किसी की बर्थडे आई है या कुछ आया तो सरप्राइज बॉक्स चला जाता है। ठीक है, उनके फिर क्या रिएक्शंस होते हैं, आपके रिलेटिव्स के क्या रिएक्शंस होते हैं? अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक सबके अभी तक अच्छे हैं। जी, तो आगे क्या क्या प्लान है, इसमें और भी फ्लेवर्स एड ऑन करना चाहेंगी या अभी 22 की ही लिस्ट है? नहीं, इंशाल्लाह ये बढ़ते जाएंगे फ्लेवर्स में। बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है जी, हमारे साथ रईसा हामिद मौजूद थी, वो हैं जो घर पर डोनट्स बनाती हैं और बहुत ही मज़े के डोनट्स हैं। आप देख भी रहे हैं कि कितनी मेहनत लगती है, और अगर आप भी चाहते हैं कि इस ईद पर आप अपने नमकीन ईद को थोड़ा सा मीठा करना चाहते हैं तो आप इन डोनट्स को ऑर्डर कर सकते हैं रईसा से। रईसा बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, खाने पीने के हवाले से तो बात होगी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि इनको किस तरह हमने जो है अपनी कैलोरीज बर्न करनी है। तो सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, बॉडी वर्कआउट के हवाले से हमें बताएंगी, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि वो आज हमें क्या क्या टिप्स देने वाली हैं। जी सुलाफे, ओवर टू यू। जी मुनीबा,
आज हम बात करने वाले हैं फुल बॉडी वर्कआउट पे। अक्सर हमें ऐसा होता है कि चलो टारगेटेड एक्सरसाइज एक तरफ, लेकिन कोई ऐसी एक्सरसाइज हो जो हम हफ्ते में एटलीस्ट दो दिन कर सकें लेकिन उसमें फुल बॉडी इन्वॉल्व हो आपकी। अब इसमें एक टिप होती है, अगर आप अपनी जो लेग्स हैं यानी कि आपका जो बिगेस्ट मसल होता है बॉडी का उसको इन्वॉल्व करें तो आपका वेट रिड्यूस हो सकता है और बाकी कुछ चीज़ें होंगी जिसमें आपकी फुल बॉडी इन्वॉल्व होगी। सबसे पहले आपको हमेशा की तरह एक एफर्मेशन याद करनी होगी, वो ये होगी कि आई लव माई सेल्फ एंड आई एम ओपन टू द पॉसिबिलिटीज, बिकॉज वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है हमें लगता है कि ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकता, मैं वेट कैसे रिड्यूस करूं, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, या कई दफ़ा नेगेटिव सजेशन हमारे जहन में इतने बैठे होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर कोई भी ऐसी थॉट, कोई भी चीज़ आपको तंग कर रही है या कोई भी ऐसा सजेशन आपको तंग कर रहा है तो आपको क्या करना है, से कैंसिल 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 3 times मेंटली, सामने नहीं कहना, थोड़ा सा फनी हो जाएगा, लेकिन आपको ये एफर्मेशन याद करनी है। और एक प्रेशर पॉइंट जो होता है बड़ा ही आसान है, जहाँ पे खवातीन एयर रिंग पहनती है सेकेंड, वो आपके कान का एक पॉइंट होता है जो आपके वेट लॉस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपने 30 सेकंड के लिए या तो आप प्रेस किए रखेंगे या थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसको टैप करेंगे। जैसे आप इसको टैप करते हैं, 30 सेकंड के लिए टैप किया, छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा से, सो 2-3 times आप इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन ये प्रेशर पॉइंट या एक्यूप्रेशर हम जिसको कहते हैं, ये तब वर्क करेगा जब आप साथ ही साथ अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे और आपकी एफर्ट जारी होगी, तब ये प्रेशर पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एफर्मेशन के बाद और प्रेशर पॉइंट के बाद अब आती है एक्सरसाइज की बारी। एक्सरसाइज क्या होगी, मेरी एक फेवरेट एक्सरसाइज है वो है क्रैब वॉक, यानी कि क्रैब किस तरह चलता है। उसमें आपने क्या किया, आप गए अपनी स्क्वाट पोजीशन में और मैट या कहीं भी आप हैं वहां पर आप स्क्वाट पोजीशन में आए और आपने साइड पर साइड टू साइड वॉक करना शुरू कर दिया, ये होता है क्रैब वॉक करना। अगर आप बिगेनर हैं और आपके लिए मुश्किल हो रहा है कि ज़्यादा आप डीप डाउन आपके लिए मुश्किल है, तो आप हल्का सा खुद को बेंड करेंगे या किसी दीवार या किसी चीज़ का सहारा ले लेंगे और आपने यहाँ पर इस तरह मैट के एंड तक चले गए। ये तकरीबन आपके 4-5 जो कदम होंगे इसको आप गिनेंगे एक साइड को एक रेपिटेशन के तौर पे, या 30 seconds तक आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं या 10-12 रेपिटेशन आप इसकी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होगा, एक क्रंच होगा और साथ ही आप अपनी लेग को रेज करेंगे, यानी आपने क्रंच किया ऑपोजिट लेग के साथ, क्रंच करने के बाद साइड रेज, क्रंच, एक्सहेल, साइड रेज एंड रिलैक्स। इसमें आपको प्रोफेशनली साइड पे किक करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी लेग को लिफ्ट करना है। और अगर शुरू में इतनी स्ट्रेच नहीं है कि लेग ज्यादा आप लिफ्ट नहीं कर पा रहे या रेज नहीं कर पा रहे, तो दैट्स ओके, आपको सिर्फ कोशिश करनी है कि आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकें। और इसी तरह आपने इसको स्विच कर लिया सेकेंड साइड पे, सेकेंड साइड क्रंच एंड रेज, क्रैब वॉक और ये क्रंच आपको बहुत हेल्प करेगा स्पेशली आपके वेट लॉस में भी और फुल बॉडी वर्कआउट में भी। बाकी जब बात होती है फुल बॉडी की, तो हम अपने बाजुओं को कैसे भूल सकते हैं जो समटाइम्स फ्लैबी हो जाते हैं। आपने अपने हाथों को ये पोजीशन में रखा, यहाँ पर रखते हुए बिल्कुल आपने बैट स्टाइल हाथ पीस को कहते हैं, अगर आप अपने हाथों को बिल्कुल खोल लें इस तरह से और आपने इसको परफॉर्म किया, या आप इसको रोटेशन में परफॉर्म कर सकते हैं। होता यह कि थोड़ा सा आप खुद को स्टिफ रखेंगे अपने बाजू को और 30 seconds तक या 10-12 रेपिटेशन करने के बाद रिलीज, यकीन करें आप लोगों को बताते हुए ही यहाँ पे मुझे फील हो रहा था कि ये एरिया मेरा सोर हो रहा है या नम हो रहा है। सो आप जब इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा ये आसान नहीं है लेकिन कम आसान है, हमें मुश्किल नहीं कहना चाहिए, कम आसान कहना चाहिए। सो अब इसके बाद क्या चीज़ होगी, इसके बाद हम आएंगे आपके एक्सटेंडेड प्लैंक पर। प्लैंक हम सबका फेवरेट होता है लेकिन इसमें हम एक्सटेंडेड प्लैंक पर आएंगे। करना क्या होगा, अपना बॉडी वेट आपको शिफ्ट करना होगा, बैलेंस करना होगा, लेग्स को लिफ्ट किया, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए और ज़्यादा आपको स्लाउच नहीं करना है, इसमें बिल्कुल रिलैक्स रहे और कोर को टाइट रखना होता है, यहाँ पर आपको अपने कोर को स्क्वीज रखना होता है। 30 seconds के लिए आपने इसको परफॉर्म किया, 30 seconds, या आपने क्या करना है, ये प्लैंक आप जब कर रहे हो और आपको लग रहा है कि 5-10 seconds के बाद ये मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो आपने कोशिश करनी है कि 5-6 repetition आप इसकी एटलीस्ट शुरू में कर लें ताकि आपको उसका फ़र्क पता चलना शुरू हो जाए आपकी बॉडी पर। उसके बाद एक चीज होती है आपका ब्रिज पोज। ब्रिज पोज में आपको क्या करना होता है, जस्ट लाई डाउन, कंफर्टेबल पोजीशन आपने अपनी ढूंढी, लेग्स को आप नॉर्मल बस वाइड करेंगे और अपनी जो लोअर बॉडी होगी उसको लिफ्ट करेंगे, लेकिन अपने हाथों पर थोड़ा सा, अपने हील्स पर और अपने हाथ पे थोड़ा सा प्रेशर देंगे और बॉडी को लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट एंड रिलैक्स। यहां आप होल्ड भी कर सकते हैं लेकिन शुरू में आपको 10-12 रेपिटेशन करनी है 2-3 sets के अंदर, और साथ ही आपको या 30 seconds के लिए आप इसको दोहराते रहेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि आपने साइड स्ट्रेच की,
साइड स्ट्रेच। इनहेल करते हुए आप गए, एक्सहेल करते हुए वापस आ गए। और मेडिटेशन हमेशा की तरह, यानी कि 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट तक आप सिर्फ और सिर्फ चुपचाप बैठ जाएंगे, जिसे सुखासन कहते हैं। इनहेल किया एंड एक्सहेल किया। इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। जब आपकी बॉडी अलाइन होना शुरू हो जाएगी तो आप वेट लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इससे होता ही है कि आपकी क्रेविंग्स वगैरह, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, वो सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। एंड आई होप कि आपकी जो वेट लॉस जर्नी है, इन एक्सरसाइज को देख के थोड़ी सी आसान हो जाएगी, क्योंकि हमारी एफर्ट यही होगी कि हम सोल्यूशन पर बात करें। तो आप अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं, और आपकी जो वेट लॉस की जर्नी है उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक गाइस। ठीक है जी, सुलाफ नकवी हमारे साथ मौजूद थी और हमें बॉडी वर्कआउट के हवाले से कुछ टिप्स दी हैं उन्होंने, और वो करिएगा फिर हमें बताइएगा। सुराफ बहुत शुक्रिया आपका, मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब कुछ बात करते हैं सोने शहर लाहौर और उसको दरपेश मसाइल के हवाले से। तो शहर की सफाई काफी अरसे से एक मुअम्मा बना हुआ है। तो कंपनियों के जाने के बाद हम देख रहे हैं कि लाहौर की सफाई की जिम्मेदारी LWMC के सुपुर्द थी, लेकिन सफाई कंपनी को इंतजामी मामलात में मुश्किलात का सामना भी था। लेकिन अब सफाई कंपनी 7 माह बाद अपने पाँव पर खड़े होने को तैयार है। ईद से कबल 4 अरब रुपए की नई मशीनरी की पहली खेप जो है वो पहुंच चुकी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कूड़ा कलेक्शन के लिए 30 नई गाड़ियां भी मिल चुकी हैं। क्या अब शहर की सफाई के मसाइल हल हो सकेंगे? ईद पर लाहौर की सफाई के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या प्लान बनाया गया है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं CEO हैं LWMC की राफिया हैदर साहिबा और इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज। मैडम आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और इमरान आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। राफिया, हम देख रहे हैं कि पहली जो खेप है वो आ चुकी है और 4 अरब रुपए की जो मशीनरी आई है, ये किस तरह की मशीनरी है और ये किस तरह काम करेगी? क्या हम अब समझ सकते हैं कि जो सफाई का एक मामला था वो हल होने जा रहा है? जी थैंक यू पोमा, थैंक यू सर। ये अभी हमारी जो फ्लीट आई है ना, इसके अंदर हमने प्राइमरी वेस्ट कलेक्शन के लिए प्रॉपर हमने सारी की सारी वर्किंग की थी। इसके अंदर 900 से ज्यादा हमारी गाड़ियां रही, 933 टू बी एग्जैक्ट। अच्छा। और अभी पहली खेप में हमने कोशिश की थी कि हमारे छोटी गाड़ियां हैं जो कि गलियों के अंदर तक जा सकती हैं और प्राइमरी वेस्ट कलेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, वो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे मंगवाई हैं। उसमें अभी तक हमारे पास ये 30 गाड़ियां आ चुकी हैं और हमारी कोशिश है कि ईद से पहले और मजीद 10 से 15 गाड़ियां हम सिस्टम में एम्बेड करें, ठीक है, और इनको हम फिर टारगेट कराएंगे कि मेन हमारे टाउन जहां पे ज्यादा मसला बनता है और ईद के दौरान उधर ज्यादा हमें सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी, वहां पे हम ये चीज़ें डालें। ठीक है, इमरान आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप जाकर हमें लम्हा बा लम्हा अपडेट करते रहते हैं फील्ड में जाकर सफाई के हवाले से भी। तो ये काफी पुराना एक ये मामला है, ये अभी का नहीं है। तो अब ये नई खेप भी आ चुकी है, तो हम सफाई देखते हुए नजर आएगी, हमें शहर जो है हमें दोबारा से वैसे ही नजर आएगा? देखें मुनीबा, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम इशू है क्योंकि गली मोहल्ले घर घर का ये इशू है और सफाई कंपनी जो है वो आपके सामने ही है। 2016 से लेकर 2021 आ गया, 5 सालों में जो जो हुआ हम साथ साथ रिपोर्टिंग करते रहे, शहरियों के जो आवाज़ है उसको दिखाते रहे कि क्या क्या सूरत हाल है शहर में, किस तरीके से जो है वो गली मोहल्ले और जगह जगह पे कूड़े और नज़र आ रहा है। और जो ईद जो आती थी उसमें भी हमने दिखाया कि ईद पर भी वैसी प्लानिंग नज़र नहीं आ रही थी, मगर वही बात आ जाती है कि जब आप कोई बहुत अच्छा काम कर लेते हैं तो फिर पुरानी बातों का जिक्र ख़त्म हो जाता है। जो जो इस वक्त सफाई कंपनी है आपके सामने, ये जो 7वां महीना जा रहा है, तकरीबन ये 20 दिसंबर की बात है, 20 दिसंबर 2020 से ये सिस्टम शुरू हुआ हुआ कि जिसमें जिसके बाद तमाम जो होल्ड है वो LWMC के पास आ गया। इस दफ़ा ये पहली ईद है तकरीबन कोई 13 साल बाद जिसमें LWMC खुद से सारा काम करेगी। इनके पास कोई बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है, इनके पास कोई ऐसी बात नहीं है, ऑपरेशनल ईद इनके पास इस वक्त होगी और यही ईद बताएगी कि इतने कम वसाइल में इन्होंने शहर लाहौर को किस तरह से जो है वो साफ रखा, जीरो वेस्ट रखा, शहरियों की किस तरह से मदद की। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त तमाम जितने भी लोग हैं उनका फोकस जो है
वो लाहौर शहर पे है, लाहौर शहर की बातों से ही दूसरे शहर जो है वो तरक्की भी करते हैं और दूसरे जिला जो है वो आगे भी जाते हैं। तो इस वक्त तमाम लोग जो है वो इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से ये मैनेज करेंगे। अब ये सूरत हाल ये है कि ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, वो इसलिए कि इनके पास गाड़ियां नहीं थी। अच्छा, उन गाड़ियों की मदद से इन्होंने पिछले 2 माह से जो है वो अपने आप को संभाला दिया, वर्कर्स में हौसला दिया कि हमने इसको लेकर चलना। अब ये अब जो एक पुरानी रुदाद है वो तो हम सुना चुके हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से ये है कि कंपनी जो है अब आगे की तरफ जा रही है। लेकिन अभी मैं इमरान राफिया मैडम से ये पूछना चाहूंगी, अब तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो LWMC है वो एक खुद साज इदारा बन गई है, मतलब ऑपरेटिंग कंपनी बन गया, अब उसको किसी और मशीनरी की किसी और इदारे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए जब हमारी 100% मशीनरी फ्लीट वगैरह आ जाएगी तो वो बिल्कुल हम आप लोग एक पॉजिटिव चेंज भी देखेंगे। ऑलरेडी जो हमने कंटेनर सिस्टम एम्बेड किए हैं, हैंड कार्ट्स एम्बेड किए हैं, उनका एक वाज़ह फ़र्क आ रहा है, बेहतरी आ रही है, हमारी वेस्ट कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट हो रही है। और ये चीज़ जिस तरह ही हमारे पास 100% वो फ्लीट पूरी तरह से आ जाती है, 933 गाड़ियाँ सिस्टम में आ जाती हैं, तो वो बेहतरी और वाजह हो जाएगी। तो ये कब तक बाकी जो खेप है वो यहाँ तक पहुँच जाएगी? जी हमारी इसमें 2 फेजेस की मशीनरी आ रही है। अच्छा। जो हमारी फुली फैब्रिकेटेड मशीनरी है वो तो अराउंड हमारी दिसंबर एंड तक मैक्सिमम जो है आ जाएगी। ठीक है, और जो बाकी हमारी बड़े ट्रक्स वगैरह है उनको हमने ऑलरेडी सिस्टम में डाला हुआ है, उनकी फैब्रिकेशन इंक्रीज करके वो भी हमारी कोशिश है कि जनवरी तक जो है ना हमारे पास सिस्टम में एक बड़ी तादाद में वो एड अप हो जाए। ठीक है, दूसरा मैडम मुझे बताइएगा, हम देखते हैं कि जो मैकेनिकल स्वीपिंग का भी क्या वही मायार रहेगा जो हम देखते थे कि तो कंपनियों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता था और वो जिस तरह काम करती थी? देखिए इसके ऊपर भी हमने ये फ्लीट का एक पार्ट है मैकेनिकल स्वीपर्स, मैकेनिकल वॉशर्स, वो भी हमने 60 के करीब जो है वो एड ऑन करें सिस्टम के अंदर। वो भी वो क्योंकि ट्रक्स वगैरह हमारे पास आना शुरू हो गया और उनकी फैब्रिकेशन का प्रोसीजर अब हमने इनिशिएट किया हुआ है, उसकी टेंडरिंग और प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह सिस्टम में दिसंबर तक ऑनवर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। अभी हम करंट जो ऑलरेडी हमारे पास मशीनरी एग्जिस्ट कर रही है उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके उसके वो यूटिलाइज करा रहे हैं और वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वो जो मशीनरी हमारे पास आई है वो क्या फील्ड में उतर चुकी है, वो काम कर रही है? जो अभी नेक्स्ट वाली न्यू मशीनरी आनी है वो तो अभी आनी है अभी, लेकिन जो पीछे हमारे पास एग्जिस्टिंग लोड है उसके अंदर हमने उनको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके उसको फंक्शनल किया हुआ है और हमारे 50 से ज्यादा ये मैकेनिकल स्वीपर्स और वॉशर ऑलरेडी सिस्टम में काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, और इमरान वो तो कह रहे हैं कि एक अच्छा हमें नजर आएगा काम करते हुए चीज फील्ड में, आपको क्या लगता है? मैंने कहा लीबा फिर वही बात आ जाती है कि शहर आपके सामने है, ईद के 3 दिन भी आपके सामने होने हैं, एक बहुत बड़ा टास्क है दिन में। हाँ। कहीं से आवाज आएगी कूड़ा ना उठाने की या ऑफिस ना उठाने की, तो वो भी हमें रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, अगर कहीं पे साफ होगा तो वो भी हमें दिखाना है, मगर मेरा ख्याल है ये है कि इन्होंने इस दफा जो इकदाम भरपूर किए हुए हैं और प्लान जो है इनका जो मैंने देखा है सारा, और एक एक चीज को जो है ये सेंसिटाइज कर रही है और जो अपने मुलाजमीन है खास तौर पर जो जिन्होंने ये काम करना है उनके लिए ये भरपूर कोशिश कर रही है। और सबसे ज्यादा मैं एक आपको बात बता दूं, अभी इनको तकरीबन डेढ़ माह हुआ exactly, है। और इनकी जो महकमे में आवाज़ है वो अखलाकियात की है, एथिक्स की है, और ये हर वर्कर्स को बहुत ज्यादा जो है वो इज्जत दे रही है और अपने कमरे में बुलाकर उनको हौसला देती है और ये वर्कर्स की आवाज़ आ रही है। अच्छा। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आपकी जब कंपनी में एक इदारे का जो मेन हेड होता है वो मोटिवेशन करना शुरू कर देता है और हौसला अफजाई करता है तो वो वर्कर कहता है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, चाहे सैलरी 18,000 है चाहे 20,000 है, मैंने ये काम करना है, मैंने अपने शहर को साफ करना है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो कंपनी को सेक्टरी बलदयात की आपको मैं बात बता देता हूँ, आज से तकरीबन कोई 10-12 दिन पहले हमें वर्कशॉप में मिले थे ना, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, हमारे माइक पे बात की, उन्होंने कोई ऑफ दे रखे थे, यार आपका बहुत शुक्रिया, आप सब हमारी भी सपोर्ट कर रहे हैं और मैं मजीद चाहूंगा कि आप हमारी 2 से 3 माह सपोर्ट करें ताकि हम अपने पाँव पे खड़ा हो जाएं, क्योंकि ज्यादा चीज दिखाने से लोग भी परेशान हो जाते हैं कि शहर में पता नहीं क्या हो गया। Exactly, खौफ का शिकार हो जाते हैं। जी, इबहाम हैजानी कैफियत, अब ये बिलीव करें कि अब सूरत हाल यह है कि हमने तो शहर की एक एक गली मोहल्ला दिखा दिया हुआ है, उससे आप वो पॉइंट्स पूछ लें जहाँ जहाँ पे कंटेनर्स पड़े होते हैं। अब क्योंकि हमने काम इतना कर दिया हुआ है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर शुक्र है कि अब वहां से कम कॉल्स नहीं आती कि जी
देखें, आज भी नहीं कूड़ा उठाया गया आज, मगर ये डेढ़ माह में इन्होंने जिस तरीके से इसको पैक कर रहे हैं, जिस तरीके से सेक्टिव बल्दियात कमिश्नर लाहौर डीसी लाहौर इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये ही एक जो अफसर होता है उसको चाहिए होता है, क्योंकि फिर वो अपनी कंपनी को लीड करता है, बिल्कुल, वो अपनी टीम को लेकर चलता है, ये बन जाती है, और यही टीम जो है आने वाले दिनों में इतना जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है 2012 अगर मैं जिक्र ना करूं डॉक्टर वसीम अजमल साहब का, तो वो काम होगा 2012 से लेकर 2015 तक उन्होंने बहुत अच्छा हैंडल किया इसको, उन्होंने बहुत अच्छी कंपनी चलाई, इस कंपनी का नाम यहाँ तक आ गया था कि उनके वो कहीं से शाम को भी गुजरते थे ना तो लिटरिंग भी हुई होती थी, तो वो कहते थे कि यार इसको फौरी तौर पर उठाए, इतना ज्यादा उन्होंने फोकस किया हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि जब इनके पास पूरी ट्रांजिशन के बाद गाड़ियां आ जाएंगी, जो इन्होंने फिगर बताया 932-33 के करीब, तो लाहौर शहर को जारी बात है जितने वसाइल ज्यादा होंगे उतने ही कम है, आपके रूरल इलाके आपको साफ नजर आएंगे, आपको जो 100 पॉइंट्स हैं आपके जो इनके पास इनकी लिस्ट के मुताबिक हैं वो साफ नजर आएंगे। हम ये कहते हैं जी काना का इलाका बहुत दूर है, तो फिर काना भी साफ नजर आएगा जब गाड़ियां मौजूद होंगी, वर्कर्स मौजूद होंगे। मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम की, मैं सीओ साहब भी इधर बैठी हुई है, मैं सेक्टरी बल्दियात और खास तौर पे कमिश्नर लाहौर कैप्टन टाइड मोहम्मद उस्मान से ये दरख्वास्त करूंगा जो सेंट्री वर्कर्स हैं मैडम, उनकी एक सैलरीज के बारे में सोचा जाए और एक तादाद बढ़ाई जाए, ताकि आपके हर जोन में यूनियन काउंसिल बहुत बड़ी है, वर्कर्स जो हैं वो काम करते करते थक जाते हैं, उनके पास जो SOPs के मुताबिक ग्लव्स, उनके शूज़, उनकी पूरी जो एक वर्दी होती है उनके पास पहनने वाली, उसको यकीनी बनाएं, ताकि उनमें ना एक जब हम बाहर के मुल्कों में कहीं पे भी जाते हैं तो पूरा नजर आता है कि एक सिस्टम हुआ हुआ, तो इसको ऑटो पे लेकर आए, ताकि आप कोई इन चीजों इन मसाइल से आप भी बाहर निकल जाएं और हमें भी पता हो कि ये वर्कर्स जो हैं ये काम कर रहे हैं और दिखाते भी नजर आए। बिल्कुल ये देखिए, इसमें मैं कहना चाहूँगी बिल्कुल वर्कर्स हमारी स्ट्रेंथ है, कंपनी का फेस वर्कर्स ही है हमारे, और उनको हम जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, और हमने ऑलरेडी उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की हुई है, सिस्टम में हमने और वर्कर्स ऐड इन किए हैं, हमने उनके छोटे जोन्स बनाए हैं, छोटे एरियाज बनाए हैं, ताकि वो लोग बेहतर तरीके से वर्क कर सकें। हैंड कार्ड्स के प्रोविजन इज अ स्टेप टूवर्ड्स इट, इसमें और चीज़ें जो जो साथ साथ हमें मिलिट कर सकते हैं वो हम बिल्कुल करेंगे उसमें बिल्कुल। ये फिर हमारी सिटीजन से भी साथ यही रिक्वेस्ट है कि जो डोर टू डोर कलेक्शन की तरफ हम उसकी तरफ बढ़ें, ताकि जो हम अगर उसकी तरफ जाएंगे तो बेहतरी आएगी, एक तो ओवरऑल लिटरिंग वगैरह का इशू हैंडल होगा, और ओवरऑल जो हमारे लोगों की हमारे स्टाफ की हेल्प भी फैसिलिटेशन उसमें होगी, उसमें उतना ही सिटीजन का भी रोल है जितना हमारा रोल बिल्कुल है। तो वो इक्वलाइज जब होगा और वो चीज़ें एम्बेड होंगी सिस्टम में, एक बिहेवियर चेंज आएगा, तो उसमें हमें फैसिलिटेशन होगी और ओवरऑल आप लोगों को ज्यादा बेहतरीन नजर आएगी। दूसरा मैडम मुझे बताइएगा कि ये जो ईद करीब आती जा रही है और ये बहुत बड़ा टास्क है, इसके हवाले से क्या प्लान आउट किया गया है, किस तरह शहर को साफ रखा जाएगा? जी, ईद के लिए हमारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इन प्लेस है, जिसको ऑलरेडी हम एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट हो चुकी है, उसमें हमारे बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो होते हैं आलाइशों के कलेक्शन के लिए, वो हमने ऑलरेडी उसको प्लेस करना शुरू कर दिया है, उसमें हमने कोई 15 लाख से ज़ायद जो है बैग्स की का ऑर्डर प्लेस किया था, जो कि अब हमारे पास आ चुके हैं, और हमने अब बकर मंडी से स्टार्ट किया है कि इनिशियली आज से हमारे कैंप्स के थ्रू जो है बकर मंडी में ये अवेलेबल होंगे। अच्छा। जिन और लोगों से यही गुजारिश है कि वो अपना जब भी जानवर खरीद के जा रहे हो तो वापसी में हमारे कैंप से वो अपने हिसाब से बैग्स भी साथ साथ लेके चले। ठीक है, उसके साथ हमारे यूसी कैंप्स लगते हैं, 290 के करीब हमारे यूसी कैंप्स होंगे, 274 यूसीज हैं, लेकिन कुछ यूसीज में हम मल्टीपल लगाते हैं जहाँ पे एरिया ज़्यादा है, उधर वो मंडे से स्टार्ट ऑफ हो गए, उधर से भी हम अवेयरनेस मटेरियल एंड ये बैग्स जो हैं उनको हम इन प्लेस करेंगे। ठीक, लोगों से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या करें ईद पर, ख्याल किस तरह रखें इन चीज़ों का? देखिए, जैसा इमरान ने कहा कि हमारे वर्कर्स का ये काम बहुत मुश्किल है, तो उसमें सिटीजन से हमारी यही गुजारिश है कि जो बैग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको एक तो ले हमारे यूसी कैंप से, या ईदगाह पे अवेलेबल होंगे, या जिस तरह बकर मंडी में अवेलेबल है, और उनका इस्तेमाल भरपूर करें, उनको एक्चुअली यूटिलाइज करके और हमारे लोगों को फैसिलिटेट करें कि उसको यूज़ करके ये उधर बाहर लगा रखें और हमारे वर्कर्स के लिए आसानी पैदा करें। बिल्कुल ऐसे ही है कि जिम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करें और ख़ुद भी अच्छी तरह जो है वो ईद गुजारें, और जो हमारी इंतजामिया है वो भी अच्छी तरह ईद गुजारें। हमारे साथ CEO LWMC राफिया हैदर साहब मौजूद थी। राफिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और आप यहाँ पर आई। इमरान, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है। जनाब, मुझे आपने इजाज़त देनी है आपसे, मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी इजाज़त दीजिए।